एक फ्रेशर के लिए होटल में काम करना बड़ा ही मुश्किल का काम होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको होटल में काम करना है तो अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। कहने का मतलब माहौल में पूरी तरह से ढलना पड़ता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आपको 8 से 10 घंटा जूता पहनने का आदत नहीं होगा, ड्यूटी के दौरान आपको जूता पहनने पड़ेंगे, आपके पैर छिल सकते हैं, आपके पैरों में सूजन आ सकती है, 8 से 10 घंटा आपको खड़ा रहने का आदत नहीं होगा। अगर आपको काम करना है तो 8 से 10 घंटा खड़ा रहने का आदत बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों वेटर का काम ऐसा है कि वो बैठ के नहीं करता काम, चलते फिरते उठते बैठते ही काम करता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम उसे खड़ा रहना पड़ता है कस्टमर के सामने। हो सकता है कि आप घर में 2 से 3 बार खाते होंगे, आपकी टाइमिंग अलग होगी खाने का नाश्ते का, लेकिन आपको होटल में काम करने के बाद टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा या टाइमिंग के साथ आपको ढलना पड़ेगा। मान के चलो आप 8 बजे घर में नाश्ता करते थे, तो हो सकता है कि होटल में 11 बजे नाश्ता मिले। मान के चलो आप दोपहर का खाना 12 बजे खाते थे, हो सकता है कि होटल में खाने का टाइम 2 बजे हो या 3 बजे हो सकता है 4 बजे भी हो। रात का खाना 8 बजे खाते होगे या 9 बजे रात के खाते होगे, लेकिन अगर होटल में काम करते हो दोस्तों तो कई जगह ऐसा होता है कि होटल क्लोजिंग के बाद ही खाना खाने का मौका मिलता है। कहने का मतलब 11 या 12 बजे के बाद। ये सब टाइमिंग होता है जिसमें आपको ढलना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही इस टाइमिंग में खुद को ढालने के लिए, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि ढाल ना पाओ। 8 से 10 दिन करने के बाद आपको भी इस टाइमिंग का आदत हो जाएगा। हो सकता है घर में आप दोपहर को भी सोते हो, लेकिन होटल में काम करने के बाद आपका शिफ्ट में ड्यूटी चेंज होगा, तो हो सकता है दोपहर को आपको आराम करने का टाइम ना मिले। आप घर में 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक सो जाते होंगे, लेकिन अगर आप होटल में काम करते हो तो आपके ड्यूटी पीरियड के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। हो सकता है कि 12 के बाद या 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद भी आपको सोने का मौका मिले, लेकिन इस सिचुएशन में भी आपको इस माहौल में ढलना पड़ेगा। इसके अलावा होटल में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के स्टाफ होते हैं, कोई छेड़ता है, कोई बदतमीजी करता है, या कोई रेबे में बात करता है, ऐसे कई सारे सिचुएशन होते हैं जिसमें आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। कहने का मतलब उस माहौल में भी आपको कैसे निपटना है बिना गुस्सा किए वो देखना पड़ता है। जैसे करेला, भिंडी या ऐसे तरह तरह की सब्जियां होती है जो खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आप होटल में काम करते हो तो जो बना है स्टाफ के लिए वही खाना पड़ेगा, अगर नहीं खाए तो भूखे रहना पड़ता है। घर में ऐसा भी होता है कि अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा, 1 घंटे के बाद खा लूंगा, 2 घंटे के बाद खा लूंगा, लेकिन होटल में काम करने के बाद ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जो टाइम में खाना मिल रहा है उसी टाइम में आपको खाना पड़ेगा, अगर नहीं खाए तो आपकी गलती है, दिन भर आपको भूखा रहना पड़ सकता है। तो ऐसे कई सारे कंडीशन होते हैं, यहाँ तक कि होटल के तौर तरीके भी आपको सीखने पड़ते हैं कि कैसे खड़ा होना है, कैसे चलना है, आपका वॉइस टोन कैसा है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, कस्टमर से कैसे बिहेव किया जाता है, ऐसे कई सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। लेकिन ये सब सिचुएशन में आपको ढलने पड़ते हैं, तब जाकर आप होटल में टिक सकते हो और काम करने लायक बन सकते हो। धन्यवाद।